सांसद बाड़ू धानोरकर के हाथों चंद्रपुर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में 1000 लीटर पर मिनट क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष संध्याताई गुरनोले के साथ अन्य मान्यवर उपस्थित थे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद में हर तरफ ऑक्सीजन की कमी बड़े पैमाने पर हो गई थी और उसके बाद भविष्य में ऐसी स्थिति निर्माण न हो इसके लिए ऑक्सीजन निर्मित प्लांट खड़ा करने की सूचना दी गई थी। और वहीं आज चंद्रपुर के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में 1000 लीटर पर मिनट क्षमता का DRDO के संकल्पना से PM केयर फंड के माध्यम से बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सांसद बाड़ू धानोरकर के हाथों किया गया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष संध्याताई गुरनोले, जिलाधिकारी अजय गुलाने, अधिष्ठाता अशोक नितनौरे, जिला शल्य चिकित्सक निवृत्ति राठौर, डॉक्टर राजेंद्र सुरपाम, डॉक्टर अमोल ठाकरे, डॉक्टर भास्कर सुनारकर, उमेश आड़े, डॉक्टर निवृत्ति जीवने, संजय राठौर, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रामू तिवारी, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता विनोद दत्तात्रेय, प्रदेश महिला महासचिव नम्रता ठेमसकर, कांग्रेस महिला नेता अश्विनी खोबरागड़े, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष सोहेल राजा, इंटर के जिलाध्यक्ष प्रशांत भारती, OBC की नेता उमाकांत धांडे, पूर्व नगर सेवक गोपाल अमृतकर, पूर्व नगर सेवक प्रसन्न सिरवार, राज यादव, कुणाल चारे, मती शेख आदि की उपस्थिति थी। वहीं इस मौके पर सांसद बाड़ू धानोरकर ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। माध्यमातून PM केयर फंड द्वारा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्या माध्यमातून संपूर्ण देशामध्ये आज एकाच दिवशी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आज या ऑक्सिजन टँकचं लोकार्पण होत आहे। आणि आताच नुकतंच आदरणीय आमच्या सौसंध्याताई गुरनोले, आदरणीय कलेक्टर साहेब, डीन साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये आता या ऑक्सिजन टँकचं लोकार्पण झालं। एका मिनिटाला 1000 लिटर ऑक्सिजन ची उपलब्धता आपल्याला मिळणार आहे। त्याच्यामुळे साधारणतः या आपल्या जिल्हा रुग्णालयातील 240 बेडना ऑक्सिजन पुरवठा हा सातत्याने पुरविला जाणार आहे। हा एक मोठा रिलीफ आपल्या जिल्ह्यासाठी आहे।